करके तैयार हुआ, सत्यापन हुआ। बनारस से अधिकारी आए थे, लखनऊ से आए थे, गाजीपुर के भी थे। सत्यापन हो गया, बिल वाउचर भी सब लग गया, मगर हमारा पेमेंट नहीं हुआ। तो बिल जो बनाया वो लगा दिया, वो करें कि फिर से आप बिल वाउचर दो। बनारस का डीडी लिखे हुए हैं कि नहीं, बिल वाउचर सत्यापन रिपोर्ट सब यहाँ जो है कि प्रेषित है, उनके कार्यालय में प्रेषित है, मगर फिर दोबारा मांग रहे हैं हमसे। नवंबर 16 में इसका सत्यापन और जांच रिपोर्ट सब चीज़ हो गया। उसके बाद विभाग को हमने सत्यापन रिपोर्ट और कापी सब चीज़ दे दिया और आज तक हमारे इस पाली हाउस का भुगतान नहीं हुआ। प्रारंभिक मूल्य जो है पॉली हाउस बनाने के लिए ज़्यादा खर्चा आते हैं, वैसे अपनी यहाँ किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर है, वह खेती कर लेती है, यही पर्याप्त है। इसके लिए सरकार उसको सब्सिडी दे रहे हैं, तो बहुत सारे किसान खेती करने के लिए तो लायक है ही, उनके पास तो सक्षम है ही। मुख्य प्रॉब्लम पॉली हाउस स्थापित करने में ही है, वह अगर सरकार के द्वारा सहयोग से बन जाती है तो बहुत सारे किसान इसके ओर प्रेरित होंगे। देखिए, अनुदान राशि के पेमेंट की एक प्रक्रिया है। जब किसान अपनी पूरे अभिलेख हमारे यहाँ जमा कर देते हैं तो नियमानुसार हम लोग उसका भुगतान करते हैं। अभिलेख की कमी जब रहेगी तो हम लोग भुगतान करने में अक्षम हो जाते हैं। तो अगर पर्टिकुलर मामले की बात करें तो सर इसमें क्या कमी है? देखिए, इसमें बिल प्राप्त नहीं हुआ है हमें, और हमारे कार्यालय में जब तक बिल और टेस्टिंग रिपोर्ट पॉली हाउस की नहीं आ जाती है तब तक हम लोग इसमें अनुदान ट्रांसफर करने में संभव नहीं हो सकता कि हम अनुदान दे सकें इनको। किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य मिले, जो वो पैदा कर रहे हैं अपने खेत के अंदर, उसकी कीमत इतनी मिले कि जिससे किसान का बेटा किसान बने, और इस दिशा में केंद्र की सरकार ने भी, प्रदेश की सरकार ने भी जो कदम उठाए हैं उससे आने वाले समय में मैं समझता हूँ जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है और आईएएस का बेटा आईएएस बनना चाहता है, उद्योगपति का बेटा उद्योगपति बनना चाहता है, आने वाले समय में किसान का बेटा किसान के रूप में अपनी खेती का काम करने में भी गौरव अनुभूति करेगा।